आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ और शुक्रिया अदा करती हूँ यहाँ पे आने के लिए, रीडिंग से जुड़ने के लिए। आज की रीडिंग में देखेंगे आखिरकार क्या निकल के आ रहा है, ठीक है। आपकी भी फीलिंग्स बताऊँगी जैसे कि रीडिंग में, और आपके पर्सन की भी करंट फीलिंग्स बताने की कोशिश करूँगी आज, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपकी फीलिंग्स को ज़रूर बताऊँगी। पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, आपके बारे में बताना चाहूँगी, पर उससे पहले एक सवाल पूछना चाहूँगी। आखिरकार कब तक आप अपने आप को ऐसे कोसते रहोगे, कब तक अपने आप को दुख देते रहोगे, कब तक हर चीज़ के लिए अपने आप को ब्लेम करते रहोगे? आज मुझे कमेंट सेक्शन में ही बता दो आप। अब आप सोच रहे होगे कि मैम ऐसे क्यों बोल रही हैं, है ना। मैं बच्चे ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं देख रही हूँ इतना ज़्यादा आप सोच रहे हो, इतना ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, इतना ज़्यादा परेशान हो, मन ही मन में खुद को कोस रहे हो, ठीक है। ऐसा क्यों? देखो, कल रात हो सकता है कि कुछ ऐसा हुआ हो आपके और आपके पर्सन के बीच में, कोई अनबन हो गई हो, कोई बहस हो गई हो, और उसके बाद आपका पूरा मतलब मन खट्टा हो गया और आपको डर भी लगने लगा है एक तरीके से। जब से आप इस पर्सन से सेपरेट हुए हो या फिर आपने बातचीत करनी बंद की है ना, आपके मन में एक डर सा भी बैठा रहता है कि अरे यार ये मैंने कैसा फ़ैसला ले लिया, अरे यार ये मैंने किस इंसान से कनेक्शन जोड़ लिया, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं कल को अच्छी खासी ज़िंदगी है, अच्छी खासी इज्जत है लोगों की नज़र में, और कुछ ऊंच नीच हो जाए या फिर ऐसा हो जाए कि ये पर्सन कुछ ऐसा कर दें जिसकी वजह से मुझे नुकसान हो जाए। आपके मन में ये चीज़ ज़रूर आई होगी। काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहे हो और मैं देख रही हूँ आप ना, जब भी ऐसा कुछ होता है आप ना सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लग जाते हो। अगर मैं बोलूँ आपके ब्रेकअप के बाद भी या फिर जब जब भी आपको अपने पर्सन की याद आती है तो आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हो। अब सोशल मीडिया में क्या है, दुनिया भर की चीज़ें, कोई कुछ डाल रहा है, कोई कुछ डाल रहा है, अपने आप को हर कोई परफेक्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा चकाचौन वाली दुनिया है सोशल मीडिया, है ना, बहुत ज़्यादा। तो आपको ऐसा लग रहा होगा, आपको ऐसा फील हो रहा होगा काफ़ी टाइम से कि अरे यार मेरी लाइफ ऐसे क्यों नहीं है। आप कंपेयर बहुत ज़्यादा कर रहे होगे और काफ़ी ज़्यादा आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि अरे यार ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। है ना, अपने आप को ब्लेम कर रहे हो, तो ये एक टॉक्सिक साइकिल चले जा रही है। और कल से या फिर आज से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, जब आप रीडिंग देखने आए हो आप इस पर्सन के बारे में जानना चाहते हो कि अगर मेरा ये हाल है। एक चीज़ और आपको नज़र आ रही है यहाँ पे, आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं इसी सब में रह जाऊँ तो मेरा अपना काम ना छूट जाए, ठीक है। अब आपको मैं खुद ही बता देती हूँ, आपका स्ट्रेस एक मिनट में दूर कर देती हूँ। दो चीज़ें, या तो आप दूसरों की सुन लो, दूसरों को देख लो, या तो खुद की ज़िंदगी में काम कर लो। दो ऑप्शंस है, आज चॉइस आपके ऊपर छोड़ती हूँ। अगर ये बात आपसे रेजोनेट कर रही है तो कमेंट सेक्शन में ऑरेंज हार्ट ज़रूर बना देना, ऑरेंज हार्ट ज़रूर से बना देना। अब आप खुद ही देख लो यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपको चुभ रही है। पहली चीज़ तो इस पर्सन की चुप्पी चुभ रही है, साइलेंट चुभ रही है, और इनके जो कहे हुए शब्द हैं ना वो बहुत ज़्यादा चुभ रहे हैं। जो आपकी आखिरी बार इनसे बात हुई है उस बातचीत में कुछ ऐसा इन्होंने बोल दिया है जिनसे मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने टोटली 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 हद पार की है, ठीक है, टोटली हद पार की है। अब जब हद पार की है इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ना कहीं आपको भी ये चीज़ पता है, आपको भी ये चीज़ महसूस होती है, आपको भी लगती है ये चीज़ कि धीरे 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 ना आप लोग एक दूसरे के बिल्कुल जान दुश्मन बनते जा रहे हो। जो भी चीज़ें हैं ना, अब आपने डिसाइड कर लिया कि अब आप इनको माफ़ नहीं करोगे,
अब आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको पता है किस बात का सबसे ज़्यादा बुरा लगा है? आपको सबसे ज़्यादा इस बात का बुरा लगा है कि इन्होंने इतने ज़्यादा कड़वे शब्द बोले और उसके बाद उन्होंने कोई स्टेप लिया नहीं। जो बोलने के बाद का जो साइलेंस है ना, दैट्स वेरी डिफ़िकल्ट और आपको किल कर रहा है। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ को मैं बताती हूँ। ये पर्सन ना, मैं बता रही हूँ, जो भी ये करते हैं ना, वो इसलिए करते हैं क्योंकि ये आपको अपना मानते हैं। इनकी नज़र से अगर मैं देखूँ, जो ये मैसेजेस मुझे दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हर किसी के साथ तो वो ऐसा करते नहीं, ठीक है, चाहे वो आपके फीमेल पार्टनर हो चाहे वो मेल पार्टनर हो, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग यहाँ पे फायर साइन या फिर एयर साइन से, मेष राशि, एरीज, लियो, सैज, सेजिटेरियस, लियो, ठीक है, लीब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि काफ़ी काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है जो आप सोच रहे हो और जो आपके साथ हो रहा है उसमें काफ़ी सिमिलैरिटी है। अब आपके पर्सन की करंट फीलिंग के हिसाब से देखा जाए ना, आप इनके सामने कितना भी बोल लो कि आप हर्ट हो, आपको बुरा लगा है, आपको चीज़ें आपकी बिल्कुल भी अलग जा रही है या फिर चीज़ें आपके काबू में नहीं है, ये सारी चीज़ें आप इनको कितना भी बोल लो, इनको पता है क्यों फ़र्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि ये ना उस चीज़ को मानते ही नहीं। इनका देखने का तरीका बहुत अलग है। इनका देखने का तरीका अलग ये है कि ना, ये सोच रहे हैं ये सोच रहे हैं कि ना, इन्होंने जो भी किया जस्टिफाइड है। अगर आप इनको कितना भी बोलोगे ना कि तुमने मुझे हर्ट किया, तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए, इस चीज़ पे ज़्यादा ये ध्यान इसलिए नहीं देंगे क्योंकि ये ऐसे बोलेंगे कि और मैं नहीं बोलूँगा तो कौन, ये मतलब हमेशा ना, जैसे कि अगर आप जब जब आप इनको शिकायत करते हो या फिर जब जब ऐसा होता है ना, तो ये मन में मतलब उस चीज़ को कभी मानते नहीं हैं। बहुत कम टाइम है ये उसको मान जाते हैं। हमेशा से इनके मन में, इनके मुख में ये रहता है कि ये वो, मतलब मैंने तो ऐसा किया ही नहीं, मेरा तो ऐसा मतलब नहीं था, मेरे कहने का मतलब कुछ और था। हमेशा अपने आप को डिफेंड करते रहते हैं। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है। अब इनकी करंट फीलिंग पता है क्या बोल रही है? ये पर्सन ना आपको कभी भी फ्री नहीं होने देंगे। आप यकीन मान लो, कभी भी ऐसा नहीं महसूस करोगे कि आप रिश्ते से पूरी तरीके से आज़ाद हो गए हो। इनके मन में ये है, ये आपको खोना भी नहीं चाहते और अगर रखेंगे तो इस प्रकार से रखेंगे। काफ़ी ज़्यादा कहते नहीं है, मतलब इस तरीके की एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान आपको जान नहीं देंगे, यहाँ पे ये इंसान किसी का होने नहीं देंगे। बहुत सारी एनर्जी है यहाँ पे जो चीख चीख के बोल रही है। ये इसी तरीके से जब तक आप इस रिलेशनशिप में रहोगे ना, इसी तरीके से चलेंगी चीज़ें। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ सुधार होगा। मुझे नहीं लगता कि ये आपकी वर्थ को कभी समझेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये आपको कभी भी ये कबूल करेंगे कि इन्होंने आपको इस तरीके से दुख पहुंचाया है या फिर इस तरीके से आपको हर्ट किया है, आपको चीट किया है। आपकी जो शांति है ना, मन की शांति, वो भंग की है। ये हमेशा अपने आप को सही करने के लिए ना, पता, देखो पता ही, अपने आप को इंसान सही कैसे कर रहा है बार बार, क्यों कर रही है आपकी पर्सन या जो भी है, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ना ये आपकी नज़र में सही रहना चाहते हैं। आपकी नज़र में अगर ये गलत हो गए तो इनको पता है कि आप इनको छोड़ के ही जाओगे, ठीक है। आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट आ जाएगा कि कैसे आप इस रिश्ते से निकल सकते हो, एक तरीके से है ना, आप इस रिश्ते को ख़त्म कर सकते हो। क्योंकि आपके आपकी ये है मन में कि कुछ भी हो जाए एटलीस्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, है ना। बेवजह फिर ऐसे टॉक्सिक रिश्ते में क्यों रहना, ठीक है, बेवजह ये सब क्यों करना, ये चीज़ आ रही है बार बार। एक बार क्लैरिटी दे दो, अगर नहीं हो रहा तो उसको खींचो तो मत, पर जैसे कहते नहीं है, ये आपको लेट गो नहीं होने देंगे, मतलब अपने से ये दूर नहीं जाने देना चाहते। कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ करके ना ये आपको अपने से बांधे रखेंगे, अपने पास रखेंगे, ठीक है ना। बातें ऐसी करना चाहते हैं, अगर इन्होंने कबूल कर ली अपनी गलती तो आप तो दूर ही जाओगे ना, तो बोल दोगे कि हाँ इस इंसान ने गलती की और स्वीकार भी कर लिया। पर मुझे नहीं लगता कि इससे आपको कोई शांति हो रही है। इस फैक्ट आप, आपको इससे और ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, आपको इससे और ज़्यादा इरिटेशन हो रही है।
अब अगर ध्यान से देखोगे तो समझ जाओगे। काफ़ी सारे फेस है इस पर्सन के, ठीक है ना, काफ़ी सारे फेस है, आप बहुत टाइम से देख रहे हो। जब आप गुस्सा हो जाते हो, काफ़ी बार ऐसा होता है ये पर्सन आपको मना लेते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है ये सही चीज़ नहीं करते, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है ये सही चीज़ नहीं करते जिससे आपको तकलीफ़ होती है। कि सिर्फ मनाने से काम थोड़ी चलता है, जिस वजह से लड़ाई हुई थी, जिस चीज़ के ऊपर लड़ाई हुई थी, अगर उस चीज़ को सुधार ले तो लड़ाई सॉल्व हो जाएगी ना, आपके मन में ये है। और दूसरी तरफ आपके पर्सन आपसे उल्टे चलते हैं, मतलब इनका ना रहने का मन है पर इनके तरीके बहुत अलग है। अब इनकी करंट फीलिंग्स आपको चीख चीख के बोल रही है, करंट फीलिंग जो है इनकी चीख चीख के आपको महसूस कराना चाहती है कि दे वॉन्ट टू कम बैक। जब भी आप इनसे बात करना बंद कर देते हो ना, या फिर आपकी बातचीत बंद हो जाती है, मैं देख रही हूँ इस समय ये पर्सन विक्टिम कार्ड प्ले कर रही हैं। ये हो सकता है 10 को जाके बताएं, ठीक है, आप बोले 10 को जाके कि ना कि आपने इनको छोड़ा है, ये हमेशा से आपके साथ रहना चाहते हैं, साथ को निभाना चाहते हैं, है ना, हमेशा से इनके मन में ये रहा है कि ये रिश्ते को आगे लेके जाएं। पर आपको इस बात का भी डर लगता है, जब इंसान अभी से ऐसे कर रहा है तो भाई फ्यूचर में क्या होगा। ये चीज़ आती होगी दिमाग में, वही चीज़ इनके मन में भी है, ठीक है, वही चीज़ इनके मन में भी है, मतलब जिसे आपको जानने देना चाहते ना, अपनी हर गलती को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगला एक्शन इस पर्सन की तरफ से ये हो सकता है कि आपको सॉरी मांग ले, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये सॉरी दिल से है या सिर्फ दिखावे के लिए है। क्योंकि अगर ये पर्सन इस वक्त आपको सॉरी बोल रहे हैं ना, तो यकीन मानो ये दोबारा से रिकन्सिलिएट करना चाह रहे हैं, इस वजह से ये पर्सन आपसे सॉरी बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। अब ये आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ सॉरी बोल रहे हैं, सामने बोल रहे हैं, मैसेज पे बोल रहे हैं, कॉल पे बोल रहे हैं, ये सब आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, और आपको जज करना पड़ेगा। जी हाँ, मैं इस बार क्लियरली बोल रही हूँ, बहुत सावधानी से फूंक फूंक के आपको जज करना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी आप डिसाइड करना कि ये जेन्युइन है कि नहीं। इस रीडिंग में इतना ही, रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ, तब तक के लिए फीडबैक देके ज़रूर जाना। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। 13 13